हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास सिक्स के सोशल स्टडीज की कॉम्पिटेंसी एनहेंसमेंट प्लान की वीकली प्रैक्टिस शीट नंबर 7, जो कि पंजाबी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनी डूइंग विद हर पेरेंट्स इन द गिवन पिक्चर। तो मिनी जो है वो क्या कर रही है, बातें कर रही है ना। इज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, यानी कि गलबात कर रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर डू वी यूजुअली लर्न गुड हैबिट्स फ्रॉम। हम अच्छी आदतें कहाँ से सीखते हैं। फ्रॉम आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हम अपने परिवार से और दोस्तों से अच्छी आदतें सीखते हैं, अपने परिवार अते दोस्तों तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, When your parents or someone else is talking to you, तो जब आपके parents, ठीक है, या कोई और जो है वो आपसे बातें कर रहा है, what is the best way to show respect to them? तो सबसे अच्छा तरीका उनको respect show करने का क्या होगा? तो listen to them carefully, उनको ध्यान से सुनो और politely जो है वो जवाब दो, ठीक है? यानी कि उन्हानु ध्यान नाल सुनो अते निम्रता नाल जवाब देओ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सुमित वॉज प्लेइंग लूडो विद हिज फ्रेंड एंड वन ऑफ हिज फ्रेंड लूजेस इन दैट गेम। तो सुमित अपने दोस्तों के साथ लूडो खेल रहा था, तो एक फ्रेंड जीत गया जबकि दूसरा हार गया। हाउ विल सुमित मोटिवेट हिज फ्रेंड्स टू प्ले मोर। तो सुमित जो है वो अपने फ्रेंड को और खेलने के लिए किस तरीके से जो है वो मोटिवेट करेगा, ठीक है? तो ही विल कॉन्ग्रेचुलेट द विनर, तो जो जीत गया है उसे जो है वो कॉन्ग्रेचुलेट करेगा और जो हार गया है उसे एनकरेज करेगा, ठीक है? तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं, कुलदीप से स्कूल टीचर गेव हिम होमवर्क टू डू। कुलदीप के टीचर ने उसे होमवर्क दिया करने के लिए, लेकिन उसे इसको सॉल्व करने में जो है वो प्रॉब्लम आ रही थी। हाउ वुड कुलदीप आस्क हिज फ्रेंड और हिज एल्डर सिबलिंग अबाउट दिस। तो कुलदीप इसके लिए अपनी बड़ी बहन से, बेसिकली अपने जो है वो बड़े भाई बहन कोई भी हो सकता है सिबलिंग, ठीक है, और अपने दोस्तों से जो है वो कैसे इसके बारे में पूछेगा, ठीक है, या कैसे उनसे जो है वो मतलब कि इसके बारे में कहेगा। politely asking him if they have time to help, तो politely जो है यानी कि जो है first option correct है कि निम्रता नाल पूछना कि उनादे कोल मदद करन लई समा है, ठीक है। इसके बाद question number 6th है, Harman and Harjeet, two students of Sandeep's class are arguing with each other. तो Harman और Harjeet जो है उस संदीप की क्लास के दो बच्चे हैं, दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। इफ संदीप वांट्स टू एक्सप्लेन टू देम, अगर संदीप उन्हें कुछ समझाना चाहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल शी अडॉप्ट। अगर संदीप जो है वो कुछ समझाना चाहती है तो वो कौन सा तरीका जो है वो यहाँ पर अपनाएगी, ठीक है। तो विल ट्राई टू मेडिटेट बाय ऑफरिंग हर हेल्प इन रिजॉल्विंग द इशू एमिकेबली, यानी कि मसले नू शांति नाल हल करन विच अपनी मदद दी पेशकश करके विचौलगी करन दी कोशिश करेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, टुडे इज हरप्रीत्स बर्थडे, आज हरप्रीत का बर्थडे है। ही हैज इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड फ्रॉम हिज क्लास टू अ बर्थडे पार्टी एट हिज हाउस। तो उसने अपने क्लास के सभी फ्रेंड्स को जो है बर्थडे पार्टी के लिए अपने घर पर बुलाया है। हाउ शुड हरप्रीत्स बिहेवियर बी विद द फ्रेंड हु हैव कम टू द पार्टी। तो हरप्रीत का बिहेवियर अपने दोस्तों के साथ कैसा होना चाहिए जो कि पार्टी के लिए उसके घर आए हैं, ठीक है। तो सेलिब्रेटिंग बर्थडे टुगेदर, यानी कि सारिया नाल रल के जन्मदिन मनाना, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8th है, योर मदर हैज सेंट यू टू द मार्केट टू बाय सम हाउसहोल्ड गुड्स। आपकी मदर ने आपको मार्केट भेजा कि घर का कुछ सामान लेकर आना है, ठीक है। हाउ वुड यू रिएक्ट इफ यू एक्सीडेंटली बम्प इनटू समवन इन अ क्राउडेड प्लेस। तो अगर आप एक्सीडेंटली किसी से टकरा जाते हैं तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो आप उनसे उसी टाइम जो है वो माफी मांगेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तुरंत माफी मांगो। क्वेश्चन नंबर 10th है, क्वेश्चन नंबर 9th देख लेते हैं। अ टूर ऑफ योर स्कूल इज टू बी कंडक्टेड बाय द टीचर टू जलियांवाला बाग।
ठीक है, तो जलियांवाला बाग में जो है वो एक आपका स्कूल का टूर जो है वो उधर जाना है। देर आर सम इंस्ट्रक्शन बीइंग गिवन बाय योर टीचर, तो आपके टीचर ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। सो व्हाट शुड बी इम्पोर्टेंट फॉर यू व्हाइल लिसनिंग टू दोज इंस्ट्रक्शन, तो जब आप उस इंस्ट्रक्शन को सुन रहे हो तो क्या जरूरी है, ठीक है। लिसन केयरफुली टू द इंस्ट्रक्शन एंड फॉलो देम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है जो कि है हिदायता नू ध्यान ना सुनो अते उन्हां दी पालना करो। क्वेश्चन नंबर 10th है, व्हाट शुड यू डू व्हेन यू डिसएग्री विद द ओपिनियन ऑफ अ फ्रेंड और कलीग, तो जब आप अपने दोस्तों से के किसी ओपिनियन से सहमत नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे। लिसन टू देम केयरफुली एंड कामली एक्सप्लेन योर्स टू, ठीक है, यानी कि जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है जो कि है उन्हां दी गल नू ध्यान नाल सुनो अते शांति नाल अपनी गल भी समझाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि वेस्ट टू ईस्ट ड्रॉ होती है, जो कि अर्थ को टू इक्वल हाफ्स में बांटती है, बिल्कुल सही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में बांटती है। द पार्ट इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, तो जो पार्ट जो है वो इक्वेटर के नॉर्थ में होता है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो साउथ में होता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th है, लैटिट्यूड्स डिवाइड द अर्थ इंटू डिफरेंट हीट जोन, तो जो लैटिट्यूड है वो अलग अलग हीट जोन में अर्थ को डिवाइड करते हैं। द सेकेंड रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ द हीट जोन इज द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ, दूसरा रीजन है कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। द सेंट्रल द बल्गिंग पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव्स मैक्सिमम हीट ऑफ द सन, तो जो अर्थ का जो सेंट्रल पार्ट है इक्वेटर के आसपास का जो पार्ट है वो बल्गिंग है, यानी कि उभरा हुआ है, जिससे वो ज्यादा हीट जो है वो मतलब कि गेन करता है, रिसीव करता है। व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ सोलर हीट एज वी मूव टुवर्ड द पोल, तो जब हम जो है वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं तो सोलर हीट का क्या इंटेंसिटी रहेगा, तो वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, घटती जानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13th है, मैप्स एंड ग्लोब्स हैव अ नेटवर्क ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, तो जो ग्लोब या मैप में जो नेटवर्क होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, जिससे जिसकी वजह से हम जो है वो किसी जगह का इजीली पता कर पाते हैं, इस नेटवर्क को क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट है, ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट सर्कल ऑफ द ग्लोब इज, सबसे बड़ा सर्कल जो ग्लोब का है वो क्या होता है, इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15th है, एनालाइज करो इसे, तो 0 डिग्री, तो 0 डिग्री यहाँ पे ये गलत है, देखो पंजाबी मीडियम में देख लेते हैं, जो 0 डिग्री है वो भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो यानी कि ये इक्वेटर होगा, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, करेक्ट कर लेना, इक्वेटर होगा, ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो सी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। 360 डिग्री, 360 डिग्री जो है वो क्या है, लॉन्गिट्यूड है, यानी 2 जो है वो ए के साथ कनेक्ट होगा। 111 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री लैटिट्यूड है, ठीक है, तो 1 डिग्री लैटिट्यूड जो है यानी कि ये बी होगा, यानी कि फर्स्ट का सी, सेकेंड का ए और थर्ड का बी होगा, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑप्शन जो है वो नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन में प्रॉब्लम है, पंजाबी मीडियम में एक बार जो है वो देख लेते हैं। पंजाबी मीडियम में जो है यहाँ पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा, ठीक है, तो ये ईडी है। इसके बाद जो नेक्स्ट है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री जो है वो मैच हो जाएगा किसके साथ, देशांतर के साथ, ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऊड़ा, और 111 किलोमीटर जो है वो एड़ा के साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन जो है वो हमें गलत दिया हुआ है, ठीक है, करेक्ट जो है वो ये होगा, ठीक है, तो किसी भी एक स्टेटमेंट को जो है वो किसी भी एक ऑप्शन को आप यहाँ पे करेक्ट करके ये स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, इनके सबको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए। All the best for your exams. Bye-bye.